सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर इन मालिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्टेडियम। मुबारक हो मुर्ग वाले फाइनल पहुँचे। बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट छोड़ के दोनों भाई। इनके लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 65.5 रन का, यानी कि हर मैच में हाफ सेंचुरी से ज्यादा का एवरेज है। सो फ्रेंड, दिन के 2 बज रहे हैं और टाइम हो चुका है अभी हमारा यहाँ से मालिंग जाने का, क्योंकि मालिंग में हमारे जो मोरंग टीम थी, मोरंग इंडियंस, वो फाइनल में पहुँच चुकी है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से उनका सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग आगे चले गए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी बबुल भैया के साथ। तो ये थी उनकी गाड़ी। सो फ्रेंड, ये अपने बबुल आते साहब, कैसे आते आप? बढ़िया बढ़िया सर। तो मुबारक हो मुर्ग वाले फाइनल पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट छोड़ के दोनों भाई। थोड़ा वो सपोर्ट तो करना पड़ेगा नहीं जाके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जहां भी मोरंग टीम फाइनल पहुंचती है वहां हाजिर हो जाते हैं। तो एक खुशी होता है कि यंग ब्रिगेड्स में एक जोश जुनून सब बरकरार है, तो ऐसे ही होना चाहिए। भविष्य में यही लोग एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे नए बंदों के लिए। काफ़ी समय बाद ही मोरंग में कुछ कुछ ट्रॉफियाँ आने लगा है, एक अच्छा स्टार्टअप है। अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सो फ्रेंड, चलते हैं मालिंग की तरफ और मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर इन मालिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्टेडियम, बाकी आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है और अपने बबलू आते काफी एक्साइटेड। कैसे लग रहा है आपको? एकदम मस्त। तो हम लोग चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं मोरंग वालों का मैच चला हुआ है, फाइनल है। अभी फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका है, सेकेंड इनिंग अभी हो रहा है शायद। तो चलिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको ग्राउंड में। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बना हुआ खूबसूरत स्टेडियम, तो कुछ ऐसा रास्ता, खतरनाक रास्ता है यहाँ से नीचे। ओ भाई, मुबारक हो नहीं है ना? सो फ्रेंड्स, फाइनल मैच हो रहा है मोरंग और लियो के बीच में, रॉक स्टेडियम मालिंग। तो अभी तक एक गेंद गिरा है, तो पूरे टीम का खाता नहीं खुला है। तो कैप्टन ने गेंदबाजी की बात खुद से बना हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेग बाय के रूप में एक रन मिलेगा। लेग बाय, कैप्टन ने लेग बाय करार दिया। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक है मेरे टीम, क्योंकि आपका खाता खुल चुका है इसी एक रन के साथ। तो लक्ष्य दूर नहीं है मेरे टीम के लिए। चेरिंग की बहुत ही अच्छी गेंद, तुम्हारे साथ ही अमन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कुछ खास सतर्क हो नहीं पाया, शायद ये एक रन के लिए टॉट पड़े। तो अंपायर ने सब प्लेट घोषित किया, ये बल्ले से निकला रन है। तो इस तरह टीम को बढ़ते हैं स्कोर 2 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। तो बॉलिंग मास्टर फिर से होंगे मिस्टर चेरी, काफी छोटे की तरफ से बहुत ही अच्छी गेम, बहुत ही अच्छी गेम। उतना ही अच्छा सम्मान मिस्टर एडी द्वारा, काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है इस वक्त। YMC, अगर मैं गलत नहीं हो तो YMC का शायद फुल फॉर्म होगा, युवक मंडल क्लब लियो।
ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पुनः दिया ब्रोटी लाइन की तरफ, यहाँ पर और एम्पायर ने से लेग सॉरी छोटा करा से कैप्टन नंबर को पास, ये शॉट और बाकी जितने भी ऑडियंसेस हैं फील्ड में, प्लीज आप सभी से निवेदन है मंच के आसपास अपना उचित स्थान ग्रहण कर लीजिए और आज के इस 6 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ करने जा रहे हैं। धीरे धीरे किन्नौर में जो टूर्नामेंट का दौर है वो बदल भी रहा है और खिलाड़ी बहुत उत्साहित है, अभी वो आईपीएल से कहीं भी पीछे नहीं था। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा जिस तरह का मैनेजमेंट, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ केपीएल का ऑक्सीडेंट देख पाया, लेकिन हाँ जिस तरह के मैनेजमेंट किन्नौर के यूथ कर सकते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप किया है कि बेशक हमारे पास फंड कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन हमारे जोश में कोई कमी नहीं है और किस तरह से एक आईपीएल को मैनेज किया जा सकता है। तो हम लोग ने आप लोगों का भरपूर अच्छा इंतजाम देखा और खेल कूद के प्लेयरों ने भी सबके मन में हमने खेल का जोश देखा, सबने अपने ग्राउंड में अपने खेल की
भावना से खेला और अपने शौर्य को दिखाया और हमें बहुत आनंदित कराया। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें एक छोटे से कार्यकर्ता को इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मैं आमंत्रित करके हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। प्लीज जोरदार तालियां सोनम के लिए, इनके जोश में कभी कोई कमी नहीं रहती है, चाहे वो कमेंट्री में हो चाहे वॉलेंट्री में हो, हमेशा पूरा प्रयास करते हैं। जोरदार तालियां सोनम नेगी के लिए। विकेट टेकर का इनका निकनेम टीटू है, पूरा नाम मेरे पास अभी आया नहीं है। 6 विकेट लेकर बेस्ट इकोनॉमी के साथ 3.52 इनकी इकोनॉमी है, मोरन इंडियन से खेलते हैं। जोरदार तालियां टीटू के लिए। 6 विकेट के साथ इनकी उपलब्धि को सुनिए, इन्होंने पर मैच एवरेज दिया है 67.5 रन का, यानी कि हर मैच में हाफ सेंचुरी से ज्यादा का एवरेज है। मिस्टर एडी नेगी के लिए इनके इस अचीवमेंट के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, तो क्या गम रस्ता कच्ची में बराबर किए नहीं। जोरदार तालियां इनके लिए। एक मोमेंटो प्लस 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि। जोरदार तालियां प्लीज। एमवीपी का कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जिसमें से तेंजिन वाईएमएससी लियो। आप इनका अचीवमेंट सुनिएगा प्लीज। 5 विकेट विद 94 रन्स इन 3 मैचेस। तेंजिन जी प्लीज आइए, आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। जोरदार तालियां तेंजिन के लिए। मैन ऑफ द सीरीज ललित बिश जी, आपने आज मैच का रुख बदला, आपका ये अचीवमेंट, आप इसके काबिल हैं, आप इसके योग्य हैं और अपने अचीवमेंट को प्राप्त करिएगा। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नमकीन कुमार जी से जोरदार तालियां ललित बिश के लिए। वो अपने 41,000 रुपीज के कैश प्राइज प्लस ये चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने गांव ले जाने के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियां। रनर अप ट्रॉफी हमारे चीफ गेस्ट भी लियो से, रनर अप भी लियो से, प्राउड फील कर रहे होंगे अपने खिलाड़ियों को। जोरदार तालियां। महिलाओं से निवेदन है 101,111 रुपए की नकद राशि प्लस ये आदमकट, थोड़ा नहीं तो आदमकट है, लगभग आदमी के बराबर का है, थोड़ा नहीं तो एक आदमकट चमचमाता हुआ ट्रॉफी प्लस 101,111 रुपए की नकद राशि के साथ बुलाना चाहूंगा इस टूर्नामेंट की विजेता टीम मोरंग इंडियंस को कि मंच पर आए वो अपना अवार्ड ग्रहण करें। जोरदार तालियां इनके लिए। जोरदार तालियां। एक प्लीज इनका फोटो एक अच्छे से लीजिएगा, जो भी फोटो लेने में अच्छे हैं। प्लीज हमारे चीफ गेस्ट का चेहरा जरूर दिखना चाहिए।